देश में किसानों का देशव्यापी बंद है, जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि सरकार जो पिछले धरना में आंदोलन में किसानों से वादा किया था, उस वादा खिलाफी के खिलाफ हम लोग का ये आंदोलन है। सरकार ने यह वादा किया था कि अगर किसानों का धरना खत्म हो जाता है तो हम MSP गारंटी कानून को लागू करेंगे, लेकिन आंदोलन के 3 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक सरकार ने MSP गारंटी कानून लागू नहीं किया। अतः पुनः किसान और मजदूर रोड पे उतरने को मजबूर हो रहे हैं और किसानों के लिए हम मांग करते हैं कि MSP गारंटी कानून लागू करें। साथ ही सरकार स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट को पारित करते हुए उस पर दुगुना दर से हर फसल की खरीद सुनिश्चित करें। साथ ही हम लोग ये मांग करते हैं कि गत 2013 में जो भूमि अधिग्रहण कानून बना था, जिसमें ग्राम सभा की मंजूरी को प्रावधान दिया गया है, उस कानून को निरस्त करते हुए सरकार किसानों से जमीन छीनने का प्रयास कर रही है। तो हम चाहते हैं कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 पुनः लागू किया जाए और उन तमाम किसानों को जिनका भूमि अधिग्रहण किया जाता है उन्हें आज के बाजार दर से मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। साथ ही महाधरना में जो 700 किसान शहीद हुए थे उन किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए और जो नए श्रम कानून बने हैं उन्हें निरस्त करते हुए जो 8 घंटा काम का कानून है उसे मजदूरों के लिए लागू किया जाए और किसान मजदूर का दमन बंद किया जाए। जिस प्रकार आज सरकार दिल्ली की ओर कूच करने वाले किसानों को जगह जगह बैरिकेटिंग करके रोक रही है, इससे ये साबित होता है कि सरकार आज तानाशाह हो चुकी है, ये किसान मजदूरों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी के विरोध में हमारा आज किसान आंदोलन के समर्थन में ये रैली निकाला गया है। धन्यवाद। सरकार तो आश्वासन दे रही है ना सरकार तो आश्वासन पिछले धरना में भी दिया था और आश्वासन के बाद हम लगातार 3 साल बैठे, लेकिन आज तक तो 3 सालों में उन्होंने इस पे कोई कानून नहीं बनाया। सरकार बोल के चुनाव को देखते हुए इस तरह की राजनीति की जा रही है। अगर सरकार को लग रहा है कि चुनाव को देखते हुए इस प्रकार की राजनीति की जा रही है तो मैं सरकार से ही सवाल करना चाहता हूं कि वो 3 सालों तक क्यों नहीं इस पे कानून बनाया। आज हम लोग पीछे 13 तारीख से किसान का जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में हम लोग चौक से वहाँ पोस्ट ऑफिस चौक से आज यहाँ जिला मुख्यालय तक आए हैं और किसान के विरोधी जो देश के सरकार है ये हमेशा से ये चाहती है कि नौजवानों को, किसानों को और महिला के नाम पे आई थी, आज इन्हीं लोग के खिलाफ पूरे तरीके से जुम ढाया जा रहा है। आप लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ पे किसान तो फसल करता है लेकिन उसको रेट तय करने की उसको जिम्मेवारी नहीं मिल पाती, वो अपना रेट से नहीं बेच पाता है। इसी तरीके से जो छात्र हैं उनको जो पढ़ने लिखने का है उस पर टैक्स लगा दिया गया है, पेन पे, कॉपी पे, सारे चीज़ पे। और आज महिलाओं का जो इस तरह से आप देखे होंगे कि लोकल चतरा के जो 4th गांव में भी रेप के मामला हुआ, अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया और ये BJP के जो संगठन मंत्री है उसके द्वारा इस तरह से किया जा रहा है। ये BJP सरकार जब से आई है मजदूर, किसान, महिला सभी को, किसी को जो ऐसे किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है, सब असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसी के लिए हम लोगों ने आज पूरे जो देश का स्थिति है उसको लेकर के हम लोग एक जंग आक्रोश रैली निकाले हैं और हम लोगों की मुख्य मांगे हैं कि मजदूरों को कम से कम आज के हालात के हिसाब से 700 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दिया जाए और किसान को जो फसल होता है वो उचित रेट मिले, किसान उसका रेट तय करे। और इस सब सारी मांगों को लेकर के आज हम लोग जिला मुख्यालय के पास आए हैं। मेरा नाम मनोज कुमार प्रजापति, इनकलाबी नौजवान सभा और किसान महासभा के जिला अध्यक्ष चित्रा।